दिवाली से पहले राजस्थान के मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। आइए इस वीडियो में आपको राजस्थान के मौसम का हाल बताते हैं, कहां कितना तापमान रहने वाला है, जयपुर का मौसम कैसा है, साथ ही सर्दियों के लिए IMD ने क्या बताया है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मॉनसून की विदाई के बाद धीरे धीरे ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य का मौसम शुष्क रहा, जो कि सर्दियों की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। आइए बड़े जिलों के मौसम का हाल जानते हैं। अजमेर 33.7 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा 33.1 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 32.2 डिग्री सेल्सियस, पिलानी 34.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर 33.7 डिग्री सेल्सियस, कोटा 34.7 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 33.9 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर 38.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 37 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 36.2 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर 35.8 डिग्री सेल्सियस, चूरू 34.8 डिग्री सेल्सियस और श्रीगंगानगर में 36.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और देर रात को ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जयपुर के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 25 से 28 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। 27 अक्टूबर तक किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। नवंबर की शुरुआत से ही दिन में भी ठंड का एहसास होना शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार इस बार सर्दियां कुछ परेशान करने वाली हैं, खासतौर पर दिसंबर के बीच से लेकर जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। विभाग का कहना है कि इस बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। अक्टूबर के मध्य से राजस्थान का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि ठंड की शुरुआत को दिखाता है। राजस्थान में इस समय मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को सर्दी की ओर अग्रसर होने का संकेत दिया है। तापमान में गिरावट और शुष्क मौसम ने एक नई ठंड की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में इस ठंड की तीव्रता बढ़ने वाली है, जिसे राज्य के निवासियों को तैयार रहने की जरूरत है। इस ठंड के मौसम में स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।